फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज अ रियल ट्रीट फॉर अस यू सिंगिंग सो ऑल द एक्सपीरियंस टुडे वेल लवली दिस इज माई ओल्ड पैल माई स्कूल मेट हम हिंदी में बोले तो बेटर है ना आप सब ये हम एक ही स्कूल के क्या बोलते हैं छज्जे बज्जे क्या जो भी जैसे ही बोले वी आर बिलोंग टू द सेम स्कूल और इन्होंने मुझे याद किया और इन्होंने मुझे 6 महीने पहले शायद उससे भी 6 महीने से पहले मुझसे उन्होंने इत्तला की थी कि 13 जनवरी को आप अपने आप को फ्री रखिएगा तो आई नोटेड डाउन एंड आई वेरी मच वॉन्टेड टू बी हेयर लेकिन जैसे मुंबई का ट्रैफिक तो आप जानते हैं इसलिए मैं देर हो गई मुझे थोड़ी बहुत तो मैंने इनसे माफ़ी मांगी लेकिन वंडरफुल मैंने इससे कहा कि यार तुम्हारी तुम डॉक्टरी संभालो यार तुम गाना वाना क्या गाने लगो हमारे पेट में क्यों लात मारने लगो यार तो ही वाज वंडरफुल आई एम सो प्राउड ऑफ मुकेश यू नो ये हिडन टैलेंट था इसका ये थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर बीइंग साहब इतने साल बाद मिले तो कुछ स्कूल मेमोरीज याद आ गए आपको वेल हाँ वेल येस ऑफ कोर्स वी गो बैक अ लॉन्ग टाइम एंड बट द फैक्ट ये कि इन्होंने ये जो अपना एक परफॉर्मेंस दिया और खुले दिल से एक परफॉर्मेंस दिया और वो भी एक एक अच्छे कॉज के लिए जो ये शेपर्ड्स विडोज के लिए वो जो करते हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये करते हैं मैं इनको फुल क्रेडिट देता हूँ तो इट वॉज़ अ वंडरफुल इवनिंग फुल ऑफ सॉन्ग्स एंड ही डिड इट सो नॉनचैलेंटली एंड सो कॉन्फिडेंटली आई एम सो हैप्पी फॉर हिम You have a history of cinema in you. So music, when it comes to music and songs, क्या-क्या पसंद है आपको? क्या-क्या पसंद है? Basically मुझे संगीत ही पसंद है. मैं संगीत का पुजारी हूँ. मैं संगीत का student हूँ. हम इसे पूछते हैं तो क्या-क्या पसंद कहना बहुत मुश्किल है. छोटे से शब्दों में. वैसे I'm a great admirer of संगीत obviously. And what's keeping you busy in 2016? I'll be doing this interview, I'll be doing some other interview. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.